नॉर्मली तो हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो जर्मन मैथमेटिकल टेक्निक जो है इसमें डिफरेंस क्या है? इसकी डिफरेंस आप इन रिटन वर्किंग करा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और बच्चा जो है वो इसके अंदर अपना माइंड एनालाइज करता है, ब्रेन एनालाइज करता है, अपने अपनी स्किल ऑटोमेटिक एनालाइज करता है, वो खुद जो है वो उसके ऊपर वर्किंग कर रहा होता है, सही, वो खुद इस पर रिसर्च करता है, खुद उसके ऊपर जो है वो आंसर्स लेकर आप जरा सा हिंट्स दे दें अगर छोटा बच्चा है तो भी क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपको शो हुआ है, इसमें से आपने कलर्स मेंशन हुए हैं हर आइटम के सामने, इसके मुताबिक क्वेश्चन मुताबिक आप उसको सॉल्व करते जाएं और ये यहाँ से लेकर आगे इसको हर आंसर्स के सामने जो आपको लग रहा है ये सही आंसर है और ये कलर इस आंसर पर बैठ रहा है देन यू आर टेकिंग इट टू प्लेसेस को तय कर देंगे। अच्छा, जब ये आप कंप्लीट कर लेगा बच्चा तो उसके बाद इसको एनालाइज करने के लिए कि मैंने सही किया गलत किया इसके पीछे इसके आंसर्स क्या हैं, ओके, बच्चा मैच करेगा कि भाई ये मैंने कलर करेक्ट आंसर जो है उसके बिहाइंड साइड पे है, ओके, बट ये सिर्फ उसे बच्चों की एनालिसिस के लिए कि भाई मैंने सही किया है कि नहीं किया है, पहले बच्चा अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा अपने ये बेसिकली माइंड उसका लिटरेसी रेट भी ग्रो करेगा और इंप्रूवमेंट आएगी उसके स्किल्स में, बहुत स्किल्स में लाभ होता है, ये बेसिकली बच्चे टैबलेट्स मोबाइल में इतनी छोटी छोटी बच्चे लग जाते हैं तो ये फिजिकल एक एक्टिविटी भी है उसकी, बहुत अच्छी, ओके, थैंक यू।